हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू कोडविन। आई होप यू लाइक अवर प्रीवियस वीडियो। अगर आपको प्रीवियस जो भी सेशंस हुए उनमें कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर देना उस पर्टिकुलर सेशन में, ठीक है। और अब तक जो हमने देखा वो हमने नॉर्मल बेसिक्स ऑफ जावा देख लिया है। अब हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, हम कुछ इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स जो हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स जो है वो हम देखने वाले हैं आज से, ठीक है। तो आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स देखेंगे और उनको किस तरह से सॉल्व करना है जो मैक्सिमम इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं हमारे कुछ प्रोग्राम्स के साथ। तो हम अभी क्या करेंगे, हमारे इस वेबिनार में ही, वेबिनार प्रोजेक्ट में हमने एक पैकेज बनाया हुआ है प्रोग्राम्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक प्रोग्राम करना है जिसमें हमें करना है कि सपोज अगर एक नंबर है, ठीक है, एक नंबर है, सपोज वो नंबर है 10, हाँ, और मेरे पास सपोज एरे है एंड मेरा एरे है सपोज 129, ओके, मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा मेरा एरे है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें वो जो 10 है उन नंबर्स का जो एडिशन होगा वो 10 होना चाहिए, मीन्स पेयर चाहिए मुझे, जैसे कि 1 प्लस 9 9 प्लस 1 10 हुआ, 5 प्लस 5 8 प्लस 2 3 प्लस 7, वो जो पेयर्स है ना वो पेयर्स चाहिए मुझे, जिससे अगर मेरा 10 है तो वो पेयर्स मुझे मिलनी चाहिए कि इन पेयर्स का जो एडिशन है वो होता है 10, ठीक है। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया कि हमें करना क्या है, ये प्रोग्राम किस प्रॉब्लम पे हमको ये प्रोग्राम करना है, ठीक है। तो इसको हम नाम देते हैं, सपोज पेयर्स नाम देते हैं इसको। नाउ हमें क्या करना है, हमें एक एरे लेना है, ठीक है, और उस एरे में हमको वो जो पेयर्स होंगी वो पेयर्स हमको प्रिंट करनी है। सपोज 10 है तो सबका, जिन पेयर्स का एडिशन 10 आएगा वो पेयर्स को हमें डिस्प्ले करना है, राइट। तो ये है हमारा टास्क। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पहले एक मेन मेथड लेनी पड़ेगी, ठीक है। उस मेन मेथड में ही हम हमारा एरे वगैरह सब डिक्लेयर कर देंगे। हम क्या करते हैं, एक एरे ले लेते हैं, ठीक है, इसको एरे नाम देते हैं और इसमें बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज डाल देते हैं, सपोज 129। आप चाहिए तो आप यूज़र थ्रू वैल्यूज ले सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से होता है। तो टाइम कंज्यूमिंग होगा अगर मैं यूज़र थ्रू वैल्यूज लूँ, इसलिए मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने 129 इसमें वैल्यूज दे दिए, ओके। अब क्या करना है मुझे, मुझे ये देखना है कि कौन सा, मतलब एडिशन कितना होना चाहिए, तो वो भी एक इंटीजर वैल्यू लेनी पड़ेगी। मैं क्या चाहता हूँ कि एडिशन 10 होना चाहिए, अगर 10 है तो उन वो पेयर्स मुझे सिर्फ दिखनी चाहिए कि इन पेयर्स का एडिशन 10 है, अदरवाइज़ मुझे कोई पेयर चाहिए ही नहीं। तो अब क्या करते हैं, एक ले लेते हैं, एडिशन नाम देते हैं उसको, ठीक है। हमें क्या करना है, 10 के एडिशन ढूंढनी है हमको, राइट। तो अभी हमने, हमारे पास अभी तक क्या क्या है, हमने एक एरे ले लिया जिसमें हमने 129 एलिमेंट्स बाय डिफ़ॉल्ट दे दिए, देन हमें जितना एडिशन चाहिए वो ले लिया, हमने 10 लिया है उसको, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अभी हमें इस पूरे एरे के थ्रू हमें इटरेट करना है, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे एरे को 0 से स्टार्ट कर दिया और यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको बोल देंगे एरे डॉट लेंथ तक आपको चलना है, ठीक है। ये लूप हमारा एरे डॉट लेंथ तक चलेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक और लूप लेंगे, वो भी 0 से चलेगा। ये भी लूप कहाँ तक चलेगा, ये भी हमारा एरे डॉट लेंथ तक चलेगा, ठीक है। अब देखो इनर लूप और आउटर लूप दोनों हमारे पास अभी रेडी है। अभी हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि ये जो पेयर्स होंगी उनका एडिशन जो है वो एडिशन हमारे एडिशन से मैच करता है क्या, जो हमें चाहिए, मीन्स जो भी पेयर्स होगी उनके एडिशन 10 से मैच करती है क्या। अगर करती है तो हम क्या करेंगे, हमारे पेयर्स को हम डिस्प्ले कर देंगे, ठीक है। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा, हम एक यहाँ पे इफ़ लेंगे, इफ़ कंडीशन,
ठीक है, हमें क्या चेक करना है, हमारा ये जो एरे है, ओके, ये जो हमारा एरे है, तो फर्स्ट लुक जो चला हमारा आई, राइट, ये आई पे जो वैल्यू है, ओके, नाउ वो वैल्यू प्लस हमारा जो एरे है उसकी जे पे जो वैल्यू है आउटर लुक, ठीक है, वो अगर इक्वल है किसके साथ, हमारे एडिशन के साथ, ठीक है, अगर ये इक्वल है तो क्या होगा, हमें प्रिंट करना है ठीक है एरे ऑफ आई, ओके, देन हमें क्या करना है, एरे ऑफ आई मीन्स ये नंबर प्लस प्लस क्या आएगा हमारा एरे ऑफ जे, मीन्स ये नंबर प्लस वो नंबर जो है उनका जो एडिशन है वो क्या है हमारा एडिशन, मीन्स इसमें देखो क्या हो रहा है, हमने दो लूप ले लिए, पहला लूप जीरो से स्टार्ट हुआ, मीन्स अभी आई के पास क्या है जीरो, मीन्स यहाँ पे वन पे है वो, राइट, देन जे भी जीरो, जे के पास भी क्या है जीरो, वन ही है, तो वो पहले देखेगा वन प्लस वन क्या टेन है, नहीं है, देन फिर क्या होगा, फिर देखेगा वन प्लस टू क्या टेन है, नहीं है, वन प्लस थ्री क्या टेन है, नहीं है, ऐसे करते करते वो नाइन तक जाएगा, देन देखेगा वन प्लस नाइन इक्वल टू टेन, हाँ है, देन अभी आई का जे का लूप खत्म हो गया, देन अभी आई इंक्रीमेंट होगा, फिर ये क्या देखेगा टू प्लस टू, सॉरी टू प्लस वन क्या है, नहीं है, टू प्लस टू है, नहीं है, टू प्लस थ्री है, नहीं है, ऐसे करते करते वो एट तक आएगा, देखेगा हाँ टू प्लस एट टेन है, तो वो प्रिंट भी हमें, वो भी वो हमें पेयर रिटर्न कर देगा, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, एरे ऑफ आई मीन्स हमारे आईथ एलिमेंट पे जो एरे का एलिमेंट है आईथ पोजिशन पे वो और जेथ पोजिशन पे जो है इनका एडिशन अगर 10 आता है तो क्या करना है, वो आईथ पोजिशन का एलिमेंट प्लस वो जेथ पोजिशन का एलिमेंट इक्वल टू एडिशन, ऐसे हमें प्रिंट कर देना ताकि हमें भी पता चले कि इनका जो एडिशन है वो क्या है 10 है, ठीक है, अभी देखो इसको रन करके देखते हैं हम, देखो अभी हमारे पास आउटपुट में क्या क्या है, देखो 1 प्लस 9 10 है, 2 प्लस 8 10 है, 3 प्लस 7 10 है, 4 प्लस 6 10 है, 5 प्लस 5 10 है, 6 प्लस 4, अंडरस्टैंड, अब देखो आपको अगर चाहिए तो आप मीन्स अभी मैंने क्या कंसीडर किया, मैंने ये कंसीडर किया 4 प्लस 6 एंड 6 प्लस 4 आर डिफरेंट, तो इसलिए मैंने लूप को पूरा एंड तक चलाया, अगर आपको डिफरेंट नहीं कंसीडर करना है तो आप हाफ में उसको ख़त्म कर सकते हो, ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपको किस हिसाब से आउटपुट चाहिए, लेकिन ये एक टेक्निक है जिससे हमें वो पता चलता है दैट देखो ना अभी 1 प्लस 9 इनका एडिशन 10 होता है 2 प्लस 8, तो ऐसे हमें क्या मिलेगा, हमें एडिशन मिलेगी। फॉर क्रॉस चेकिंग हम इसको 11 करके देखते हैं, देखो 2 प्लस 9 11 होता है, 3 प्लस 8 11 होता है, तो 11 की भी पेयर्स हमें मिल रही है, अंडरस्टैंड, अगर हमने इसको 15 किया तो क्या होगा, देखते हैं क्रॉस चेक करके, देखो 6 प्लस 9 7 प्लस 8 8 प्लस 7 9 प्लस 6, मैंने क्या किया हुआ है 6 प्लस 9 एंड 9 प्लस 6 को मैंने डिफरेंट कंसीडर किया हुआ है, तो ये जो पेयर है इससे हमें 15 एडिशन मिल रही है। सो आई होप गाइज आपको ये वाला प्रोग्राम समझ में आया होगा, अगर आपको इस प्रोग्राम में कुछ भी प्रॉब्लम लगे तो प्लीज़ आप कमेंट कर देना, मैं आपके डाउट को सॉल्व कर दूंगा, ठीक है, तो ये एक प्रोग्राम है। देन हम क्या करेंगे, अभी पहले देखो हमने फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक एरे लिया हुआ है, देन यहाँ पे जो हमें एडिशन चाहिए वो एडिशन को हमने एक इंटीजर वेरिएबल में स्टोर कर लिया, देन ये हमारा आई लूप है, देन ये हमारा जे लूप है, राइट, यहाँ पे क्या चेक किया कि जो आई की वैल्यू है वो अगर जे की वैल्यू से आई की वैल्यू प्लस जे की वैल्यू इक्वल टू हमारा अगर एडिशन है तभी क्या करना है, हमें प्रिंट करना है आई की वैल्यू, मीन्स हमारे एरे में जो आईथ पोजीशन पे वैल्यू है वो वैल्यू, नॉट नॉर्मल आई, ठीक है, तो ये हुआ। अब हमें क्या करना है,
अब एक और एक प्रोग्राम देखते हैं हम। अब हमें क्या करना है कि सपोज़ अभी मेरे पास 1 2 3 4 है, 1 2 3 4, ठीक है, और मुझे उस नंबर के एडिशन चाहिए 1 2 3 4। तो इसका एडिशन क्या आता है, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10। तो मीन्स 1 2 3 4 का एडिशन आता है 10। तो मुझे ऐसा प्रोग्राम चाहिए कि जो मुझे एडिशन डिस्प्ले करे जो भी मैं नंबर एंटर करूँ उसकी, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, फाइंड फाइंड एडिशन देते हैं नाम, नहीं ठीक है, एडिशन देते हैं, सिर्फ एडिशन देते हैं, एडिशन, ठीक है, सिर्फ एडिशन दे देते हैं। तो देखो इसमें हमारा टारगेट क्या है, इसमें हमारा टारगेट ये है, सपोज यूज़र ने एंटर किया है नंबर 1 2 3 4, तो इसका एडिशन कैसे होता है, 1 + 2 + 3 + 4, राइट, 1 + 2 = 3, 3 + 3 = 6 एंड + 4 = 10। तो आउटपुट क्या आना चाहिए, 10, अंडरस्टैंड। अगर 1 2 3 5 है तो आउटपुट क्या आना चाहिए, 15 आना चाहिए। तो ये है हमारा टारगेट, ये है हमारा एक प्रॉब्लम जिसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा मिक्सिंग कर देते हैं, इसमें हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं अभी, ठीक है, हम इसमें फंक्शनल प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं क्योंकि अभी तक हमने थोड़ा कम ही यूज़ किया है। तो अभी हम इसमें थोड़ा अभी फंक्शनल प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं जिससे आपका फंक्शनल प्रोग्रामिंग का और थोड़ा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको कुछ डाउट है फंक्शनल प्रोग्रामिंग में तो आप हमारा वो वेबिनार का जो सीरीज़ है फंक्शनल प्रोग्रामिंग का वो देख सकते हैं, ठीक है। तो देखो अभी मैंने क्या किया, मैंने, मुझे इंटीजर चाहिए, मीन्स मुझे उनके एडिशन रिटर्न करनी है, तो मैं यहाँ पे मेरा रिटर्न टाइप जो होगा वो मैं इंट ले रहा हूँ, ठीक है। इसको हम नाम देते हैं गेट एडिशन, ठीक है, गेट एडिशन हमने यहाँ पे नाम दे दिया। अब किससे एडिशन लेना है, तो एक नंबर से एडिशन लेना है, तो हमने यहाँ पे एक नंबर भी ले लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अभी हमें वो नंबर हमारा यूज़र से आएगा, ओके। अब देखो कुछ अलग ढंग से इसको करूँगा, आपने अभी तक देखा होगा, अगर आप देखोगे तो मॉड बाय वगैरह, डिवाइड बाय, वो सब करके एडिशन निकालते हैं, वो भी है, ठीक है, वो भी एक टेक्निक है, लेकिन हम थोड़ा इसको अचीव करने के लिए थोड़ा और अलग सा और कुछ कर सकते हैं क्या, वो हम देखेंगे अभी, ठीक है। अभी देख बताओ मुझे कि ये जो मेरा नंबर आ रहा है वो इंटीजर है, राइट, तो अभी मुझे क्या, मैं क्या करूँगा, देखो अभी मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग ले लूँगा, ठीक है, स्ट्रिंग इनपुट लेता हूँ मैं, इनपुट इक्वल टू, मैं इस नंबर जो इंटीजर है इसको मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लूँगा पहले। तो इसके लिए क्या मेथड है, इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग, ओके, इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है, मैंने नंबर को यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया। तब तक यहाँ पे रिटर्न जीरो देते हैं, वो अच्छा नहीं दिखता रेड, ठीक है, अब वो तब तक के लिए एरर चला गया, ओके। अब क्या करते हैं, अभी मेरे पास क्या है, मेरे पास ये मेरा एक इंटीजर आ गया। अभी मैं क्या करूँगा, ये मेरा स्ट्रिंग में तो ये नंबर कन्वर्ट हो गया अभी, ठीक है, मीन्स अभी सपोज मैंने 1 2 3 4 एंटर किया है तो मेरे स्ट्रिंग में अभी 1 2 3 4 आ गया है। अब मैं क्या करूँगा, उसको ब्रेक करूँगा, ठीक है, अब मैं उसको ब्रेक करूँगा स्ट्रिंग एरे में। तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग एरे ले लूँगा, अभी देखो, अभी थोड़ा सा ध्यान दे दो, स्ट्रिंग एरे मैंने इसको नाम दे दिया, ठीक है, इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, आपको तो पता ही है ना एरे कैसे होता है। देन इसकी साइज़ कितनी देंगे हम, हमारा जो ये जो इनपुट है स्ट्रिंग डॉट लेंथ, इतने साइज़ का ये हमारा स्ट्रिंग एरे होगा, मीन्स ये एरे हमारा कितना बड़ा होगा, जितनी बड़ी स्ट्रिंग है उतना बड़ा हमारा एरे होगा। तो हमने अभी क्या किया, ये जो इंटीजर नंबर हमारे पास आएगा यूज़र थ्रू, मीन्स जो हमारा इस मेथड में, जो मेथड हम यहाँ पे यूज़ करें गेट एडिशन, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक नंबर का एडिशन निकालने वाले। तो उस नंबर को पहले मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, देन मैंने एक स्ट्रिंग एरे बना लिया उसी साइज़ का जिस साइज़ का मेरा स्ट्रिंग है। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले एक मैं क्या करता हूँ, पहले एक मैं इंटीजर एक वेरिएबल लेता हूँ, उसको नाम देता हूँ ऐड, ठीक है, उसको हम करते हैं ज़ीरो पे इनिशियलाइज पहले, ठीक है, पहले ज़ीरो पे उसको हमने इनिशियलाइज कर दिया, एक ऐड, और एक लगेगा मुझे सपोज टेम्पररी एक वेरिएबल ले रहा हूँ, उसको भी मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज करके रख दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये जो एरे है मेरा, उस एरे में मुझे एलिमेंट्स जो हमारे स्ट्रिंग में है वो मुझे उसमें डालने हैं,
ठीक है, तो आपको पता है अगर एरे में एलिमेंट इंसर्ट करने हैं या फिर डिस्प्ले करना है या फिर कुछ ऑपरेशंस करना है तो हमें फॉर लूप यूज़ करना पड़ता है। तो एक फॉर लूप यूज़ किया, यहाँ पे ज़ीरो से स्टार्ट हुआ, देन कहाँ तक चलेगा ये हमारा एरे, एरे डॉट लेंथ पे लेंथ तक चलाया हमने इसको, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको हम डायरेक्टली हमारे इनपुट स्ट्रिंग और एरे की जो हमारी लेंथ है वो सेम ही है, तो इनपुट डॉट लेंथ तक ही इसको चला देते हैं हम, ठीक है। ये जो हमारा एरे है वो कहाँ तक चलेगा, हमारी जितना बड़ा हमारा नंबर होगा वहाँ तक ये चलेगा। देन अभी हमको क्या करना है, हमारा ये जो एरे है उसमें हमें वैल्यूज डालनी है, राइट। तो आई ज़ीरो से स्टार्ट होगा तो स्टार्टिंग से उसमें वैल्यू डालनी है हमको, तो वैल्यू क्या आएगी, एक एम्प्टी स्ट्रिंग जो हमने नल डालते हैं यहाँ पे प्लस करके। हमें बाद में क्या करना है, वो जो हमारा इनपुट, ये जो हमने इनपुट है हमारा स्ट्रिंग, ठीक है, ये इनपुट डॉट कैरेक्टर एट, डॉट ये जो कैरेक्टर एट है उसको हमने ले लिया, ठीक है। सॉरी गाइस, नाउ अब देखो, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस गाइस, ये जो हमारा कैरेक्टर ऐट है तो हमने क्या किया, हमारे आइथ पोजीशन पे जो भी कैरेक्टर है वो हमने हमारे इस स्ट्रिंग में हमने क्या कर लिया, उसको ले लिया, राइट। तो अब क्या करना है, अब देखो हमारे एरे के पास क्या क्या है, हमारे एरे के पास अभी जैसे जैसे लूप चलेगा वैसे वैसे एक एक वैल्यू उसके अंदर आती जाएगी, ठीक है। अब यहाँ तक क्लियर है, वैसे वैसे एक एक वैल्यू उसके अंदर आती जाएगी। अभी ज़ीरो पे है तो ज़ीरो पोजीशन पे हमारे जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की जो ज़ीरो पोजीशन पे एलिमेंट है वो हमारे एरे के अंदर आएगा, देन वो आगे जाएगा, देन वन पोजीशन पे जो है वो हमारे एरे में आएगा, देन टू पोजीशन पे जो है वो हमारे एरे में आएगा, देन थ्री पे जो है वो हमारे एरे में आएगा, ठीक है। तो इस तरह से वो एलिमेंट्स हमारे एरे में आते जाएंगे। अब क्या करना है, ये जो हमने टेम्पररी लेके रखा है यहाँ पे वेरिएबल, इसको हम अभी क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखो टेम्पररी को कैसे यूज़ कर रहे हैं हम, टेम्पररी हम इसको क्या बोल रहे हैं कि ये जो हमारा अभी ये जो स्ट्रिंग एरे में है उसको हम क्या कर रहे हैं अभी, इंटीजर डॉट पार्सेंट, अभी हम इस टेम्पररी में जो हमारा एरे में जो एवरी एलिमेंट है, मतलब अभी ज़ीरो पे एलिमेंट इंसर्ट हो चुका है, राइट। तो वो जीरो पोजीशन के एलिमेंट को मैंने क्या किया, हमारे एक टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर कर लिया, एंड उस वेरिएबल में मैंने अभी उसको स्टोर ऐसे ही नहीं किया, उसको मैंने इंटीजर में कन्वर्ट करके स्टोर किया हुआ है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे वो जो एलिमेंट होगा, मीन्स मैंने एक ऐड ले लिया, आपको तो पता है ज़ीरो पे इनिशलाइज कर दिया था, अब मैं क्या करूँगा, जो ऐड है ऐड प्लस वो जो हमारा टेम्पररी में हर बार जो सेव होगा उसका हम यहाँ पे एडिशन करेंगे, और हमारे मेथड को क्या बोलेंगे, दैट आप हमें रिटर्न क्या करो, पूरा जो ऐड में जो वैल्यू एंड में आएगी वो हमें आप यहाँ से रिटर्न कर दो। तो देखो अभी तक हमने क्या किया हुआ है, हमने पहले एक क्लास बना लिया, उसको नाम दिया एडिशन, देन एक मेथड ले ली, उसको हमने रिटर्न टाइप दिया इंट, क्योंकि हम एडिशन इसी मेथड से रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो एक नंबर ले लिया, उस पर हम एडिशन करेंगे, तो उस नंबर को पहले हमने यहाँ पे क्या किया है, इसको पहले हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया, देन हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग एरे लिया हुआ है, ठीक है। उसकी लेंथ हमने कितनी दी, जितना बड़ा नंबर होगा उतना स्ट्रिंग एरे होगा। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे लूप चलाया, देन यहाँ पे हमने हमारे जो एरे है वो एरे में हमारा जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग में जो नंबर है वो ज़ीरो से लेकर के मीन्स एवरी इंडेक्स हमने इस एरे में यहाँ पे क्या कर ली, हमने यहाँ पे एरे में स्टोर कर ली। देन हमारे उस पोजीशन पे जो अभी जो नंबर स्टोर हो रहा है उसमें हम उसको हमने टेम्पररी वेरिएबल में इंटीजर में कन्वर्ट करके रख लिया। देन ये जो ऐड है वहाँ पे हमने क्या किया कि अभी ज़ीरो है ऐड, राइट। तो ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो प्लस टेम्प में अभी क्या वैल्यू होगी, सपोज वन है तो वन, ज़ीरो प्लस वन वन हो गया, लूप आगे गया तो हमारा नंबर सपोज इट वन टू थ्री फोर, लूप आगे गया तो क्या हुआ, वन अभी तक था ऐड में, अभी वन वैल्यू थी, अब क्या हुआ टू भी आया, तो क्या हुआ वन ऐड इक्वल टू ऐड प्लस वन, मीन्स ऐड में अभी ऑलरेडी वन है तो वन प्लस टेम में अभी टू आया, वन प्लस टू थ्री, तो वन प्लस टू का एडिशन हुआ थ्री। वैसे ही करते करते जब तक जितनी लेंथ है वहाँ तक वो चलेगा और हमें एडिशन वो
रिटर्न करता जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वी आर स्टोरिंग एडिशन हियर। ओके, तो अभी क्या हुआ, यहाँ पे हमने एडिशन स्टोर कर दी। अब हमें क्या करना है, अब एक मेन मेथड बना लेते हैं शॉर्ट में, PSVM। ठीक है, अब यहाँ पे हमने दे दिया एक इंटीजर ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं नम ही दे देते हैं, इंटीजर नम। हम यहाँ पे क्या वैल्यू पास करते हैं नम में, 1 2 3 4 करते हैं पहले, 1 2 3 4। ठीक है, तो इसका एडिशन क्या आना चाहिए, इसका एडिशन हमें आना चाहिए 10, राइट। तो अभी हमें क्या करना है, यस गाइस, अभी हमें क्या करना है, अब हम करते हैं इसका एडिशन डायरेक्टली हम प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हमारी इस गेट एडिशन मेथड को कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, गेट एडिशन को कॉल किया, उसमें हमने नम को पास कर दिया। तो अभी ये क्या करेगा, हमें एडिशन प्रिंट करेगा। तो फॉर मेकिंग इट अंडरस्टैंडेबल हम क्या करते हैं, एडिशन इज ओके। तो यहाँ से हमें अभी एडिशन मिल जाएगी, सेव करके देखो, रन करके देखो, देखो एडिशन इज 10, 1 2 3 4, 1 plus 2 3, 3 plus 3 6, 6 plus 4 10। अब इसको मैंने 5 कर लिया, तो एडिशन क्या आना चाहिए, 1 2 3 4 5 का ऑब्वियसली 15 आना चाहिए। तो देखो 15 आ रहा है हमें। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्रॉस चेकिंग के लिए अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 6 कर देता हूँ। तो 15 प्लस 6 कितना आता है, 21 आता है, राइट। देखते हैं, यस वी आर गेटिंग 21, मीन्स आवर कोड इज वर्किंग फाइन। अब देखो हमने इसमें किया क्या, पहले गेट एडिशन नाम की मेथड ले ली, उसको मैंने रिटर्न वैल्यू दिया इंट, उसी मेथड को मैंने बोला आप मुझे एडिशन रिटर्न कर दो। ठीक है, देन यहाँ पे पास क्या कर लिया, जिस नंबर का एडिशन करना है वो नंबर। देन यहाँ पे क्या किया है, जो एक स्ट्रिंग लिया है और उस नंबर को मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया। देन एक स्ट्रिंग एरे लिया है, डिक्लेयर किया है यहाँ पे, और उसका साइज दिया है मैंने, हमारे उस जितना बड़ा स्ट्रिंग है उतना ही बड़ा एरे होगा। ठीक है, देन दो वेरिएबल्स ले लिए यहाँ पे, देन यहाँ पे लूप चालू किया, कब तक चलेगा, जितना हमारा जो लेंथ है स्ट्रिंग का तब तक वो चलेगा। देन मैंने क्या किया, हमारे एरे के एरे में वो जो एलिमेंट है हमारे स्ट्रिंग में इंडेक्स वाइज उसमें हम पुट करते गए। देन जो पुट हुआ नंबर स्टोर हुआ, वो नंबर को हमने क्या किया, इंटीजर में फिर से कन्वर्ट करके एक एडिशन वेरिएबल लेके उसमें उसके एडिशन हमने स्टोर कर ली। ये लूप तब तक चलेगा जब तक जितनी लेंथ है, तो हर बार जो वैल्यू इंसर्ट होगी उसका एडिशन होगा, प्रीवियस मीन्स प्रीवियस एडिशन भी स्टोर होगा। इसलिए तो ये है ना, ऐड इक्वल टू ऐड प्लस 10, मीन्स प्रीवियस एडिशन अगर 1 है तो आया अभी 2, तो 1 प्लस 2 होगा, अभी आया 3, ठीक है, तो 3 प्लस 3 होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे इस तरह उसको एडिशन स्टोर किया, देन यहाँ पे रिटर्न कर लिया, एंड फाइनली हमने एक नंबर यहाँ पे पास किया हुआ है, एंड उस मेथड को हमने यहाँ पे कॉल कर लिया। तो आई होप गाइस आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ प्रॉब्लम लगे तो आप कमेंट कर देना, हम आपके कमेंट को सॉल्व कर देंगे। कुछ भी अगर कमेंट है तो प्लीज़, डाउट है तो आप कमेंट कर दो, हम सॉल्व कर देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइस लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। एंड हम नेक्स्ट वीडियो में भी हम यही देखेंगे, और भी कुछ कुछ प्रोग्राम्स हैं इम्पोर्टेंट, वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कल। एंड ये है आपका आज का असाइनमेंट, आपको क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू फाइंड सम ऑफ एरे एलिमेंट्स। जैसे मैंने अभी यहाँ पे क्या किया, एक इंटीजर मैंने एक ले लिया नंबर, मैंने उसकी सम निकाली। तो आपको क्या करना है, सपोज मेरे एरे में अभी 1 2 3 4 5 है, तो उसका सम कितना था, ऑब्वियसली 15 आता है उसका भी सम। तो आपको उसको क्या करना है, आपको उसका भी सम निकालना है। ठीक है, ये एक स्ट्रैटर्जी था जैसे मैंने कोड किया, ना ज़रूरी नहीं है कि आप भी वैसे ही करो, इसमें और भी कुछ इजी में वे में भी हो सकता है। तो मुझे यह अच्छा लगा तो मैंने ये सम इस वे में किया, आपको कोई और अच्छा वे लगे तो आप उसमें करो। ठीक है, तो ये आपका असाइनमेंट है, आपको क्या करना है, एरे की सम को प्रिंट करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर आपको कुछ भी डाउट होगा इस, तो प्लीज़ हमारे इस फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पे जाके आप इसमें कमेंट कर दो, एंड रेगुलर अपडेट्स के लिए कीप विजिटिंग। एंड आपको क्या करना है, आज का जो असाइनमेंट होगा वो आपको वेबिनार नंबर 24 मेंशन करके सब्जेक्ट में आपको वो हमारे इस ऑफिशियल मेल आईडी पे आज का असाइनमेंट भेजना है। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। अगर आपको कुछ भी डाउट आए तो प्लीज़ कमेंट करो। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।